मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं अंडमान निकोबार में NHDCIL द्वारा सड़कों का निर्माण कैसे किया जाता है। इस सड़क को अंडमान ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है। जब यह सड़क APWD द्वारा निर्माण किया जाता था, तब इन सड़कों पर कम गड्ढे हुआ करते थे और आने जाने वाले लोगों को कम परेशानी होती थी। परंतु जब से NHDCIL के पास यह सड़क गई है, तब से आज तक इस सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लोगों को हो रही है परेशानियां। आज हम मध्य अंडमान के रंगत क्षेत्र में हो रही सड़कों का निर्माण के बारे में जानेंगे। उत्तर तथा मध्य अंडमान में NHDCIL द्वारा सड़क का निर्माण करीबन 6 साल से चल रहा है, परंतु 40% सड़क भी अब तक नहीं बन पाया है और जगह जगह पर सड़कों को खोद कर रखा गया है, जिसके कारण लोगों को गाड़ियां चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। NHDCIL के काम करने के तरीके से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है NHDCIL द्वारा जो कार्य वे कर रहे हैं, काफ़ी धीमी गति से कर रहे हैं। हमने देखा जो नई गाड़ियां करीबन 10 साल तक चलनी चाहिए, वे गाड़ियां इन सड़कों पर 5 साल भी नहीं टिक पाती। आइए रंगत के लोगों से जानते हैं। मेरा नाम देवाशीष हल्दार है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये जो अभी रोड यहाँ पे है, हम प्रेजेंटली रंगत बाज़ार के आसपास में ही हैं, जो आपका पानी टंकी से लेकर बाजार तक जो रोड का कंडीशन आप जानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिछला तकरीबन 8 महीना से इस हालत में NH वाला सिर्फ खोद के सीमेंट डाल के उसको एक बार रोलिंग करके छोड़ दिया है। अभी इसमें ऐसा दिक्कत होता है कि हर कोई, वाहन चालक हो या पब्लिक हो, बारिश होने से बगल से पब्लिक जो है चल नहीं सकती है। वाहन चालक को इतना दिक्कत होता है, हर रास्ता में गड्ढा इतना भरा हुआ रहता है कि टू व्हीलर को भी इतना दिक्कत होता है कि टू व्हीलर अगर बारिश का समय में अगर ब्रेक मारे तो एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसा है कि यहाँ से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी अगर कोई VIP फोर व्हीलर में भी अगर जाए तो उनको भी दिक्कत होगा। ये चीज़ हम लोग पिछला 7-8 महीना से हम लोग कंटिन्यूसली फेस कर रहा है। इसका ऊपर यही रिक्वेस्ट है कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन इसमें इसका ऊपर एक्शन ले और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे कि हम लोग को पब्लिक को सुविधा हो। ये रोड को अच्छा से बना के जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभी हम रंगत बाज़ार में हैं। यहाँ पे हमारे जो भी स्टैंड के निवासी सब करे हैं, मैं न्यूज़ आप तक से बोल रहा हूँ। चलिए इनसे पूछते हैं इनका क्या दुविधा है। नमस्ते सर। नमस्ते। जी आपका नाम? मेरा नाम सुशांत हल्दार। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? रंगत का रहने वाले हैं सर। सर आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोल सकते हैं? आज रोड है, हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जो खोद के रखा है NH वाला, तो हम लोग गाड़ी नहीं चला सकता है। इमरजेंसी कुछ भी काम हो जाता है तो इस पर हम लोग नहीं जा सकता है। अचानक पेशेंट हो जाता है तो उसको लेके जल्दी नहीं जा सकता है। तो हम लोग को इतना निवेदन है, तो ये जो 1.5 किलोमीटर रोड है, ये NH को जल्दी से जल्दी हम लोग का ये थोड़ा अच्छा करके कोल्टरिंग करके बना के देने से अच्छा होता है। जैसे कि अभी मैं सुना है कुछ आम पब्लिक ने निवेदन किया है कि ये रोड अच्छा से कोल्टरिंग हो, आपका क्या कहना है सर? नहीं सर, ये तो अच्छा से नहीं कर रहे, तो हर जगह में ही थूक पॉलिश कर रहा है। जैसे कैसे? जैसे अभी ये लोग करके जा रहा है, एक हफ्ते के बाद वो जगह गड्ढा हो जाता है, स्लाइडिंग हो जाता है, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग को इतना ही ये है, जो भी काम करें तो अच्छा से करें। और हम लोग का ये बाज़ार का हालात तो सर बुरा ही है। बाज़ार में तो ऐसी चप्पल पहन के भी जाने का ये नहीं है। जैसे आप गाड़ी वाले हैं तो आपके क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है सर? तो हम लोग को तो सर गाड़ी में हम लोग को सर जाने आने में बोलने से सर गाड़ी तो इतना स्लो जा रहा है, एक नंबर में हम लोग जाना पड़ता है क्योंकि इतना हल्का हो रहा है सर। गाड़ी टान भी तो देता है, इसमें हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सूचना देना चाहते हैं सर? कोई
हम लोग यही चाहते हैं जो ये रोड थोड़ा जल्दी से जल्द उसको ठीक करें। आप चाहते हैं कि प्रॉपर कोल्तरिंग हो और प्रॉपरली ये रोड जितने भी आपका पानी टंकी से लेकर रंगत बाजार तक जो भी वाहन चालक आते हैं उनको दिक्कतें सामना करते हैं, इमरजेंसी में आप लोग मेडिकल जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, गाड़ी चलाने की प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको आप जल्द से जल्द आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सूचना देना चाहते हैं सर? ये रोड को अच्छा से बना के जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।